प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक लेंस। ठीक है, लेंस के बारे में आप छोटे क्लासेस से पढ़ते भी आए हैं। हमने आपको रिफ्लेक्शन बता दिया है कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और स्फेरिकल सरफेस क्या होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं लेंस क्या होता है। देखिए, अगर आप एक सॉलिड स्फीयर ले लें, एक सॉलिड कांच का एक टुकड़ा ले लें, इस प्रकार से एक सॉलिड है ये, कांच का टुकड़ा ले लें, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट ऐसे काट के अलग कर दें, ठीक है, या आप इतना पार्ट काट के अलग कर दें, इतना पार्ट आपने काटा ये वाला पार्ट, तो अगर ये पार्ट काट के अलग कर दें तो इधर अंदर क्या है, अंदर इसकी ग्लास है, बाहर एयर है, तो ये क्या बन गया, ये लेंस बन गया। ठीक है, अगर आपने इतना पार्ट काट के अलग कर दिया तो ये क्या बन गया, ये लेंस बन गया। यानी लेंस एक प्रकार से एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दो सरफेस होते हैं और आउट ऑफ दीज टू सर्फेसेस एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व, एक सरफेस कम से कम कर्व होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमने दो स्फीयर ले लिए, ऐसे कुछ मेल्ट किया, ऐसे कुछ मेल्ट ऐसे कर दिया, बीच में ऐसे मेल्ट करके ऐसे इसको काट के अलग किया, ठीक है, ऐसे कुछ कांच ऐसे कोई डिजाइन बना दी इसमें और इस प्रकार से काट के अलग कर दिया, ये एक लेंस बन गया। ठीक है, तो लेंस डिजाइन के हिसाब से दो प्रकार के लेंस होते हैं। यानी आप कहेंगे लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ एक ऐसा शेप होता है जिसमें एक सरफेस, दो सरफेस होनी चाहिए और एक सरफेस कम से कम कर्व होना चाहिए। ठीक है, तो उसके आकार के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, उसके बनावट के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस। नंबर वन इज अ कॉन्वेक्स लेंस। पहला जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, वो पहला कॉन्वेक्स लेंस है। देखो हिंदी में भी इसको कॉन्वेक्स ही पढ़ते हैं, इसलिए वो कॉन्वेक्स ही समझिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों सरफेस में बीच का जो पार्ट होता है वो बल्जिंग होता है, उभरा होता है, और किनारे का पार्ट इसका पतला होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला, अगर मान लिया दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स, बीच में कांच है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, या इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, दोनों सर्फेस की कॉन्वेक्स है। ठीक है, दूसरा, अगर हम इसका एक सर्फेस तो कॉन्वेक्स ले लें और एक प्लेन कर दें, वो इधर भी कर सकते हो, या आप पहले ये प्लेन कर दो और ये वाला पार्ट ऐसे ले लो, भाई जैसे अब ये स्फीयर था, इस प्रकार से हम इधर का पार्ट काट के अलग कर दें या इधर का पार्ट काट के अलग कर दें, तो ये एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस इसका कॉन्वेक्स है, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या नाम इसका है, इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समतल उत्तल लेंस। ये समतल है, ये प्लेन है, ये कॉन्वेक्स है, यानी ये डबल कॉन्वेक्स है, द्वि उत्तल और ये समतल उत्तल होता है। तीसरा पार्ट है कि अगर हम एक पार्ट तो कॉन्वेक्स ले लें और दूसरा पार्ट हम कॉनकेव ले लें, इस प्रकार से ऐसे करें या ऐसे करें, ऐसे और दूसरा पार्ट हम कॉनकेव ले लें, जिसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, समतल अवतल लेंस। ठीक है, तो डिजाइन के हिसाब से तीन प्रकार के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि बीच का पार्ट जो होता है वो धसा हुआ होता है, दूसरा जो लेंस का टाइप है वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, बीच का पार्ट धसा होता है और किनारे का पार्ट मोटा या उभरा हुआ होता है, ये कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, इसके भी तीन प्रकार के लेंस होते हैं। पहला, अगर दोनों साइड कॉनकेव है, ऐसे भी कॉनकेव, ऐसे भी कॉनकेव, तो इसको हम कहते हैं डबल कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस या कॉनकेव कॉनकेव, कॉनकेव कॉनकेव लेंस कहते हैं, यानी द्वि अवतल लेंस कहलाता है।
दूसरा है अगर इसका एक पार्ट तो कॉनकेव है ठीक है और दूसरा पार्ट प्लेन है, या पहला पार्ट प्लेन है और दूसरा पार्ट कॉनकेव है तो इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या नाम है इसका? प्लेनो कॉनकेव लेंस कहलाता है। तीसरा है कि अगर मान लिया एक पार्ट कॉनकेव है और दूसरा कॉनवेक्स है, थोड़ा डिजाइन सही नहीं बन पा रही, ये कॉनकेव और ये कॉनवेक्स, तो इसको कॉनकेवो कॉनवेक्स या कॉनवेक्सो कॉनकेव कहते हैं, यानी इसको कॉनकेवो कॉनवेक्स या कॉनवेक्सो कॉनकेव कहते हैं। इस प्रकार से वैसे तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, अदरवाइज छह प्रकार के लेंस होते हैं ठीक है। अब लेंस की कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ समझ लें लेंस से संबंधित, रिलेटेड टू लेंस कुछ डेफिनेशन उन्हें समझ लें। इसके पहले लेंस लाइट के साथ जब लाइट उस पर गिरती है तो किस प्रकार से बिहेव करते हैं उस आधार पे दो प्रकार के लेंस माने गए। सबसे पहला है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है लाइट रे को एक जगह मिला देना, उसको कन्वर्ज कहते हैं। देखिए थोड़ा सा प्रिज्म पे चलते हैं, अगर हम प्रिज्म के बारे में बात करें तो हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी यहां भी आगे बताया जाएगा कि प्रिज्म में एक तो प्रिज्म एंगल होता है, इसको बेस कहते हैं ठीक है, और ये इसके रिफ्रेक्टिंग सर्फेस है। जब प्रिज्म में लाइट गिरती है तो ये प्रिज्म का नेचर होता है। देखिए एक्चुअली लाइट के केस में एक खास बात है, अगर आप कहें ऐसा क्यों होता है तो जितने भी लाइट के प्रूफ दिए गए, जितने भी कंसेप्ट दिए गए, वो प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन के आधार पर वैज्ञानिकों ने दिए ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा इट बिहेव्स लाइक दिस, तो उन्हें हमें डायरेक्ट याद करना होता है, और अगर नहीं हम तो नहीं याद करेंगे, हमको सिद्ध करो, तो लैब में जाके हम उसको प्रूफ कर सकते हैं ठीक है। तो इसमें जब लाइट जाती है तो लाइट बेस की तरफ झुक जाती है, ये इसका नेचर होता है। अब जरा देखिए कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात करते हैं, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और कॉन्वेक्स का ऊपर का छोटा सा पार्ट आप देखिए ऐसे, इसको अगर आप ऐसे बना दें तो ये क्या दिख रहा है, आप कहेंगे प्रिज्म टाइप का दिख रहा है ठीक है। तो बेस किधर है, बेस उसका नीचे की तरफ है। अगर यहां पे छोटा सा पार्ट आप ले लें ऐसे ये इस प्रकार से, तो ये क्या दिख रहा है, ये प्रिज्म दिख रहा है। इसका बेस किधर है, ये ऊपर की तरफ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरी, अब भूल जाइए लेंस है, अगर ऊपर का प्रिज्म देखें तो उसका बेस किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, और प्रिज्म का नेचर क्या होता है कि वो लाइट को अपने बेस की तरफ झुका देता है, तो ऊपर की लाइट बेस की तरफ झुक गई, नीचे की लाइट बेस की तरफ झुक गई क्योंकि इसका बेस ऊपर की तरफ है, तो आपने क्या देखा कि द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, वे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। तो दिस नेचर ऑफ द लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग नेचर ऑफ द लेंस, दिस फिनोमेना इज नोन एज कन्वर्जेंट, इसको कन्वर्जेंट कहते हैं, बिकॉज दिस लेंस इज कन्वर्जिंग इट, सो दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट को वो एक जगह जाकर के मोड़ के मिला देता है, तो ये इसका कन्वर्जिंग नेचर होता है ठीक है। इसी को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ये आगे पढ़ाया जाएगा, अभी से समझ ले। प्रिंसिपल फोकस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल कोई भी लाइट नहीं गिरती है तो आफ्टर रिफ्रेक्शन इट मीट्स एट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, से बाद में बताया जाएगा, अभी तो बात कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात हो रही है। दूसरा टाइप का लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या कह सकते हैं डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस।
अपसारी क्रिया, हिंदी में कहा जाता है इसको अपसारी क्रिया। देखिए अगर मैं कॉनकेव लेंस के बारे में बात करता हूं, जरा कॉनकेव लेंस को थोड़ा बनाइएगा ऐसे, ये हमने कॉनकेव लेंस बनाया ठीक है, जरा ऊपर का छोटा सा पार्ट ऐसे देखिए जरा ध्यान से, अगर इसको ध्यान से देखें ये छोटा सा प्रिज्म है और इसका बेस किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, और यहां भी देखिए अगर ऐसे हम मिला दें तो इसका बेस किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो अगर कोई लाइट रे इस प्रकार से गिरेगी तो ये बेस की तरफ झुक जाएगी यानी दूर भाग जाएगी। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे को आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द कॉनकेव लेंस, दिस इज द कॉनकेव लेंस और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होता है, द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन इट मूव्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ चली जाती है। क्यों, इसका ये रीजन है भाई, ऊपर का पार्ट एक प्रिज्म शेप में होता है और ये प्रिज्म का नेचर होता है कि वो लाइट रे को अपने बेस की तरफ झुका देता है ठीक है। तो अगर इसको पीछे भाई यहां पर हम बैठे हैं, मान लिया यहां पर हम बैठ के इस लाइट रे को देखें इस प्रकार से, ये हमारी आंख है इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं, तो हम ऐसे तो देख नहीं सकते, हमें तो सीधे देखना पड़ेगा। तो हमको क्या लगता है कि ये लाइट रे यहां से निकलती हुई अपीयर हो रही है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट ठीक है। तो इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस कहते हैं, बाद में बात की जाएगी। तो हमने क्या देखा, इन द कॉनकेव लेंस द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हट जाती है। तो दिस नेचर ऑफ द लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग नेचर ऑफ द लेंस एंड दिस लेंस इज नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। एक चीज और आपकी जानकारी के लिए, दो प्रकार के ग्लास होते हैं, एक क्राउन क्राउन और एक फ्लिंट फ्लिंट, ये क्राउन है CROWN और ये फ्लिंट है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्राउन ग्लास का बनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो फ्लिंट ग्लास का बनाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्राउन कौन पहनता है, राजा पहनता है, और राजा की ड्यूटी क्या होती है, पब्लिक को जोड़ना, और जोड़ने का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो कॉन्वेक्स किसका बनता है, क्राउन का, ये डेफिनेशन एग्जाम में मत लिखिएगा, ये केवल अपने समझने के लिए होती है। फ्लिंट जो फिकल्ड माइंडेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पब्लिक को तोड़ते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, जहर होते हैं समाज के बीच में, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो दूर करने का काम कौन करता है, कॉनकेव लेंस करता है। तो फ्लिंट ग्लास का कौन सा लेंस बनता है, कॉनकेव लेंस बनता है। तो दिस इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस। इसके बाद बात की जा रही है, कुछ डेफिनेशन है रिलेटेड टू द लेंस, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द लेंस। लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशन है, उन्हें आप पॉइंट टू पॉइंट और विद डायग्राम समझ लें, कौन कौन सी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, सबसे पहला आता है कि लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, यहां एक खास बात और है कि डेफिनेशन में चूंकि यहां पर दो प्रकार के लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है, तो दोनों के बिहेवियर अलग अलग हैं, वो मिलाता है वो दूर करता है, तो डेफिनेशन दोनों को मर्ज करके लिखनी पड़ेगी ठीक है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, हम डबल कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉनकेव लेंस बारे बात कर रहे हैं, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ले लें, ये इसका मिडिल सरफेस है और यहां पर कोई लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, यहां पर कोई लाइट रे गिरी,
यहां पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो जैसे इसमें लाइट रे इंसिडेंट होगी, जरा पहला सरफेस देखिएगा, पहले सरफेस में क्या होगा, जैसे इसके अंदर जाएगी इसका रिफ्रेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और ये बाद में बाहर निकल जाएगी। हमें बहुत डिजाइन नहीं बनानी है, समझने की कोशिश करना की, तो ये मिडिल पॉइंट इसका ऑप्टिकल सेंटर है, वो मान लेते हैं इसको, यानी आप कहेंगे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे है, क्योंकि इंसिडेंट और इमर्जेंट रे यानी कि ये आपतित है या निर्गत है, दोनों सेम मीडियम है, दोनों पैरेलल होंगी, तो रिफ्रेक्शन के बाद जहां पर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को मिलती है, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, और लेंस में जो डिस्टेंसेज ली जाएंगी, दूरियां, वो ऑप्टिकल सेंटर से ली जाएंगी। अब चूंकि लेंस पतला हम लेंगे, तो ये मान लेंगे हम यहां सरफेस से ले या बीच से ले, डिस्टेंस सेम रहेगी, अदरवाइज हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और यही बात अगर हम कॉन्वेक्स के बाद कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें, कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें, तो यहां भी लाइट रे ऐसे गिरी और ये इस प्रकार से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। आप डेफिनेशन क्या देंगे, लाइट रे इंसिडेंट ऑन द लेंस एंड ये इमर्जेस टू द सेम मीडियम, देन आफ्टर रिफ्रेक्शन वेर दिस रे इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, यानी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण के बाद जो रिफ्रेक्शन होता है, जो अपवर्तित किरण होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस को मुख्य अक्ष को जहां पर टच करती है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अभी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, उसके लिए अलग अलग होती है, लेकिन आप फिलहाल केवल कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए समझिएगा। इसके बाद डेफिनेशन आती है लेंस का फोकस। अब देखिए लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं, एक फर्स्ट फोकस होता है, दो फोकस वहां पर होते हैं, एक फर्स्ट फोकस होता है और एक सेकेंड फोकस होता है, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस, फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस। दूसरी डेफिनेशन दे रहे हैं फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस, प्रथम फोकस ले रहे हैं इसका, प्रथम फोकस। देखिए जब हम डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन चूंकि हमारी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए होगी, तो जरा कॉन्वेक्स के लिए हम पहले बात करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखिए ध्यान से, कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है जहां से जो लाइट चलती है आफ्टर रिफ्रेक्शन इट बिकम्स टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे चलने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट फोकस। वो पॉइंट जहां से चलने वाली लाइट रे रिफ्रेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, दैट इज फर्स्ट फोकस, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फर्स्ट फोकल लेंथ। इसको फर्स्ट फोकल लेंथ कहते हैं। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। जरा कॉनकेव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कॉनकेव बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का होता है, ये जो कॉन्वेक्स करेगा ये उल्टा उसका करेगा। देखिए ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब कुछ लाइट रेस, देखो यहां पर तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से लाइट चल रही थी, कुछ लाइट रेस इसके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आती हुई आती हैं इस प्रकार से। अगर ये लेंस ना होता तो ये आके यहां पर मिल जाती, ये दोनों यहां पे आके मिल जाती, लेकिन जैसे यहां मिली ये बीच में लेंस आ गया, बोले कहां जा रही हो, बोले हम यहां जा रहे हैं, लेकिन ये तो जाने नहीं देगा, तो ये क्या करता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देता है, तो इसको फर्स्ट फोकस कहते हैं, और ये फर्स्ट फोकल लेंथ होती है। डेफिनेशन अगर आपसे कहा जाए तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे द लाइट रे, क्या कहा जाए इसको, अपीयर्स टू कम टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि कॉनकेव लेंस में
प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट की तरफ आती हुई अपीयर होने वाली लाइट रे. अपीयर डजंट मीन दे आर नॉट गोइंग टू दिस पॉइंट, दे कैन नॉट रीच टू दिस पॉइंट बिकॉज दिस लेंस विल नॉट परमिट दिस लाइट रेस टू गो टू दिस पॉइंट. ये लेंस इसको परमिट नहीं करेगा. तो लेकिन दे अपीयर्स टू मीट दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज द फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस. इसको फर्स्ट फोकस कहते हैं और ये फर्स्ट फोकल लेंथ होती है. तो अगर ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस फर्स्ट फोकस है, ये डिस्टेंस फर्स्ट फोकस है, तो कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉनकेव की फर्स्ट फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. तो ये तो फर्स्ट फोकस हो गया. ठीक है, जब हम बात फोकस की करेंगे तो फर्स्ट की नहीं करेंगे हम. अब आते हैं सेकेंड फोकस, सेकेंड फोकस ऑफ लेंथ. अगली डेफिनेशन है सेकेंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस, इसको द्वितीय फोकस भी कहते हैं, द्वितीय कहते हैं, या इसको हम मुख्य फोकस भी कहते हैं. जरा देखिए फिर वही बात, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को लेना है. ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिरी, अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, और आफ्टर रिफ्रेक्शन दे मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट वन पॉइंट. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस, सॉरी सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस. यानी कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रेक्शन दे मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट वन पॉइंट. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकल लेंथ. इसको हम प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं. तो हमने क्या बताया, जब हम बात फोकस की करेंगे तो हम बात प्रिंसिपल फोकस की करेंगे. ठीक है, अब आप कॉनकेव के बारे में बात करिए. ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरी. कॉनकेव का नेचर भी बताया गया है कि इट मूव्स अवे द प्रिंसिपल एक्सिस, दूर हट जाती है, और इसको पीछे बढ़ाने पर हमको यहां से निकलती हुई अपीयर होती है. दे अपीयर टू इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड. भाई अगर आप यहां बैठ करके इसको देखो, इस लाइट रे को इस प्रकार से अपनी आंख यहां रख लो और यहां से देखो, तो आप ऐसे टेढ़ा नहीं देख सकते ना. आपको लगेगा ये लाइट रे यहां से निकलती हुई अपीयर हो रही है. एक्चुअली दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, बट इट अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. और दिस डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस. तो अगर कॉन्वेक्स को देखें तो कॉन्वेक्स का फोकस इधर की तरफ है यानी पॉजिटिव है, और कॉनकेव का फोकस इधर की तरफ है यानी कि नेगेटिव है. यानी कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है. तो दिस इज द सेकेंड फोकस. ठीक है, एक होता है फोकल प्लेन, अगला एक पॉइंट है, इसको कहते हैं फोकल प्लेन. देखिए अगर आप एक प्लेन ले लें, एक पर्दा ले लीजिए ऐसे, इस प्रकार से ले लीजिएगा, और इस फोकस के, इस प्रिंसिपल एक्सिस के इसके इसके परपेंडिकुलर दीजिएगा, तो दिस प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन. यानी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस, दिस प्लेन इज नोन एज, इसको हम कहते हैं फोकल प्लेन, इसको फोकल प्लेन कहा जाता है. ठीक है, तो ये लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में हमने बात की. इसके बाद बात की जाएगी कि पतले लेंस या लेंस से कैसे इमेज बनती है और कैसे उसके प्रूफ होते हैं. छोटे से छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेंस के बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा. ओके, थैंक यू.